पुलवामामध्ये झालेल्या जवानांवरील हल्ल्यात बुलढाणा जिल्ह्यातील 2 जवानांचा समावेश आहे. काश्मीरमधील पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी भ्याड हल्ल्यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्याचे 2 जवान शहीद झाले असून मलकापूर येथील संजय राजपूत वय 49 हे जवान शहीद झाले. याची माहिती शहीद जवानांच्या नातेवाईकांना देण्यात आली असून 15 फेब्रुवारी रोजी रात्री 9 वाजता जवानांचे पार्थिव दिल्लीहून नागपूरला आणण्यात आले. मलकापूर येथे 16 फेब्रुवारीला सकाळी मलकापूर येथील शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. शहीद जवान संजय राजपूत व गोवर्धन नगर लोणार येथील श्री नितीन राठोड हे CRPFमध्ये होते. मात्र 14 फेब्रुवारी रोजीच्या आत्मघाती हल्ल्यात ते शहीद झाले आणि त्यामुळे लोणार व मलकापूर शहरावर याची शोककळा पसरली आहे. संजय राजपूत हे बटालियन 115 मध्ये कार्यरत होते. त्यांना एकूण 3 भाऊ 1 बहीण आणि आहे. यातील 1 भाऊ अपघातात मृत्यू झाला. सध्या 2 भाऊ आहेत तर संजय यांना 2 मुले असून मुलगा जय आणि शुभम अशी त्यांची नावे आहेत. संजय राजपूत यांचा मनमिळावू स्वभावाने ते नेहमीच लोकांच्या मनात घर करून राहिले होते. संजय राजपूत यांची त्रिपुरामध्ये पहिली पोस्टिंग झाली. ते वयाच्या 23व्या वर्षी सैनिकात भरती झाले आणि CRPFचे 20 वर्ष पूर्ण करून त्यांनी 5 वर्षे वाढून घेतले होते. बोला. संजय सिंग ये मेरे सामने छोटे का बड़ा हुआ है और मेरे सामने 1996 में मेरे को बोल कर गए कि भैया मैं जा रहा हूँ भर्ती के लिए. आम्हाला आनंद वाटला तो एक CRPF मध्ये जाओ भर्ती. सॉरी, हमको खुशी हुई जब वो नौकरी पर लगा और अभी 10 तारीख को ही वो यहाँ से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए निकले. और जो ये हमला हुआ है ये बहुत बुरी बात है. और ये हमले में उसका जो अंतकाल हुआ है इसका हमें बहुत बुरा लगता है और इस हमले का भारत सरकार ने जरूर बदला लेना चाहिए. संजय सिंह विक्रम सिंह राजपूत दीक्षित ये हमारे मोहल्ले के मलकापुर शहर के माता महाकाली के रहने वाले बहुत होनहार कार्य करते थे. हर बार देश के लिए प्रेम करना ये उनका एक जज्बा था. और जब उनका सिलेक्शन हुआ तो जब भी वो यही बताते थे कि मैं देश के लिए कुछ करके जाऊँगा. कल एक भ्याड़ हल्ला हुआ कश्मीर में और उसमें उनका शहीद हो गए. वो अगर ये जो आतंकवादियों ने हल्ला किया ये अगर सामने सामने करते तो सही में वो देश के लिए कुछ तो भी करके दिखाते थे. आज हम सबका एक ही कहना है मलकापुर शहरवासियों का कि सरकार ने जो कोई कहा है कि हम 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, आज अपने 44 बांधव शहीद हुए हुए हैं. उसके बदले सरकार ने 400 से 500 पाक वालों को उनके सर काट के लाना चाहिए. ऐसी हमारी सबकी भावना है. वो जो शहीद हुए हुए हैं उसके लिए मलकापुर शहर में बहुत बड़ा दुख का संकट आया हुआ है. कल दिनांक 14 को हमारे भारत देश के ऊपर जो बहुत बड़ी आपत्ति आई जिसमें लगभग 40 के लगभग जवान शहीद हुए हैं, उसमें हमारे महाविद्यालय के माजी विद्यार्थी और हमारे दोस्त जो मेरे क्लासमेट रहे हैं NCC में, हम दोनों साथ में थे, संजय सिंह विक्रम सिंह दीक्षित, ये भी उसमें शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमारे साथ में NCC करते हुए मुझे बहुत ही करीब से उनके साथ में रहने का मौका मिला. जो स्वभाव से बहुत ही कोमल थे लेकिन उतने ही डिसिप्लिन के कड़े थे. और NCC में रहते हुए भी वह पूरा देश के लिए हम कुछ तो भी कर गुजरना चाहते हैं ऐसा उनका ध्येय था. और उसी तरह से उन्होंने महाविद्यालयीन विद्यार्थी का जीवन जो था हमारे साथ में, मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक वो पूरे डिसिप्लिन के चाहते थे और हसतमुख थे. और ऐसी हमेशा उनका मानना था कि हम देश के लिए कुछ तो भी कर जाए. और उसी वजह से उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन किया था और आज वो देश के काम आए हैं. उनके कार्य को, उनके शहादत को हम यहाँ पर पूरी मनोकामना से श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं. तर नितीन शिवाजी राठोड हे लोणार तालुक्यातील बीबी इथून जवळच असलेल्या गोवर्धन नगर तांडा येथील रहिवासी आहेत. नितीन हे केंद्रीय राखीव दलाच्या 3 बटालियनमध्ये 2006 आसाममध्ये भरती झाले होते. त्यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण येथील आश्रम शाळेत झाले होते तर उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षण
दुसर बीड येथील जीवन विकास महाविद्यालयातून पूर्ण केले होते. ते शेतकरी कुटुंबात जन्मले होते. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी वंदना, एक मुलगा जीवन, मुलगी जीविका, आई वडील आणि एक लहान भाऊ व दोन बहिणी असा परिवार आहे. या घटनेमुळे मलकापूर व गोवर्धन नगर लोणार शहरावर शोककळा पसरली असून जवानांचे स्मारक बांधण्यात येणार असल्याची माहिती नातेवाईकांनी दिली. ही माहिती बुलढाणा येथून मोहम्मद फारूक यांनी दिली.